इसके अंदर क्या बेसिकली चपटा कर दोगे, दबा दोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, नहीं हो। तो बस ये डीएम होगा यहाँ पे, सबकी दूरी कितनी है आर, तो डीएम इनटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, तो फिर से क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। अब एक डिस्क करा देता हूँ आपको मैं, ठीक है जी, डिस्क करा के फिर आप करेंगे सॉलिड सिलेंडर, ठीक है जी। ओके सर, डिस्क और समझते हो, डिस्क और रिंग में फर्क क्या होता है? डिस्क के अंदर मास होता है, ठीक है जी, और रिंग के बार बार मास होता है, ठीक है जी। चलो सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का। अब डिस्क का पास बना लेते हैं, मान लो ये डिस्क है तो इसके अंदर ही मास होगा, बच्चा मानते हो? यस सर। यस सर। मान लो पहले एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक्सिस डिफाइन कर दो, ये एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो डिस्क का मास अपने पास एम है और डिस्क का रेडियस दे रखा है बच्चा अपने को आर, ठीक है बच्चा। तो मुझे सजेस्ट करो बच्चा कि कैसे हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद। एनीवन? बॉडी शेल में, बॉडी शेल में कोई सजेस्ट कर पाएगा मुझे? सर हाँ जी बोलो सर। अगर पहले छोटी रिंग बड़ी रिंग ऐसे करके अगर अरेंज करते हैं तो डिस्क की बन जाती है। वेरी गुड बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा महिमा, शाबाश। देखो बच्चा सुनो, अगर मान लो मैं छोटी सी रिंग लूं, इसकी मोटाई ले लेता हूं छोटी सी बिल्कुल डीआर ऐसे, एक और रिंग ले लूं उसकी भी डीआर मेरे पास क्या ले लूं, मोटाई लूं, तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि एक रिंग ले लूं, एक रिंग ली उसके ऊपर एक और रिंग ली उसके ऊपर एक और रिंग ली तो डिस्क बन जाएगी बच्चा, क्या ये फील कर पा रहे हो? कितना लोग फील कर पा रहे हैं भाई? यस सर। चलो ठीक है, मैं रिंग क्यों बना रहा हूं, क्योंकि रिंग का एमओआई हम निकाल चुके हैं, रिंग का हम एमओआई निकाल चुके हैं तो यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सुनो बच्चा मैं क्या कह रहा हूं बच्चा, जैसे मान लो यहां पे छोटे आर डिस्टेंस पे मैंने एक रिंग बनाई, छोटे आर दूरी पे क्या बनाई मैंने रिंग, बड़ा आर क्या था, डिस्क का रेडियस था, और छोटे आर पे मैंने एक डी आर मोटाई की, डी आर मोटाई की मैंने क्या ली बच्चा, एक रिंग ले ली, ठीक है बच्चा। अब बताओ बच्चा इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? एम आर। लेकिन मुझे इस रिंग का मास तो बताना चाहिए, तुम बोल तो रहे हो कि एम आर स्क्वायर है, मान लिया मैंने इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने मान लिया कि एम आर स्क्वायर है, मैं छोटा एम मान लेता हूँ, एम इंटू छोटा आर का स्क्वायर, लेकिन ये एम पता है क्या मुझे? नो सर। मास किसका पता है? पूरे डिस्क का मास पता है, लेकिन निकालना किसका है? रिंग का। रिंग का तो कैसे निकाले बच्चा? नहीं ऐसे नहीं बच्चा, देखो अब मुझे बताओ एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है आर पे एम। वेरी गुड महिमा, वेरी गुड, ब्रिलियंट बच्चा। सुनो ये मास है कहाँ पे, लेंथ पे है या एरिया पे है? एरिया पे। तो बताओ इस रिंग का, इस डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। मानते हो ना? पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, छोटा आर बड़ा आर? कैपिटल। पाई आर स्क्वायर पे अगर मेरे पास मास एम है तो एक पे कितना होगा? एम बाय पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है इस रिंग का, मैं रिंग बना रहा हूँ, जो रिंग है ना इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। मोटाई कितनी है इसकी? डी आर। इस रिंग को काट दूं तो एक लाइन बन जाएगी ऐसे? यस। खोल दूं, काट के खोल दूं तो 2πr, तो उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, और मोटाई कितनी है? dr। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। यस। अरे फील कर पा रहे हो? सुनो मैं वीडियो ऑन करता हूं, रुको, ये रिंग दिख रही है, इसको काट दूं, यहां से काट दूं, खोल दूं तो क्या बन जाएगी, एक लेंथ बन जाएगी। हां ना बोलो?
यस सर। तो उसकी लेंथ तो कितनी होगी 2 पाई आर और उसकी विड्थ कितनी होगी बच्चा डी आर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2 पाई आर इनटू डी आर। तो अब मुझे पता लग गया कि इस रिंग का मास कैसे निकालूं, 2 पाई आर डी आर से जो होगा वो क्या होगा एम बाय पाई आर स्क्वायर बड़ा आर है और ये क्या है 2 पाई आर इनटू डी आर। यहां तक बात चमक रही है? यस सर। चलो कुछ कट रहा है क्या इसमें? पाई कट रहा है बस और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ये एम पता लग गया मुझे, यही वाला एम है बच्चा, मानते हो ये? यस सर। अच्छा अब सुनो सर, इसमें क्या बता रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड वाले में डिराइव करना सर, हाफ सी वी स्क्वायर और वन दोनों। हाँ तो अब सुनो बच्चा, अब मेरे को ये इस रिंग का मास निकल गया वो क्या है एम आर स्क्वायर सॉरी 2 एम आर स्क्वायर इनटू आर इनटू डी आर इनटू छोटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहां से आया मानते हो? अरे हाना बोलो ये। अब सारी रिंग को जोड़ना है, सारी रिंग को जोड़ दूं सांप में डाल दूं, जोड़ने का काम क्या होता है सांप का, तो सांप जोड़ देगा इसको। लिमिट कहां तक लगाऊं पहले बताओ, लिमिट है कहां पे? आर पे है, जो डी के अंदर होता है लिमिट उस पे होती है, आर इसके अंदर है। तो सबसे छोटी रिंग का रेडियस क्या होगा जीरो, yes, और सबसे बड़ी रिंग का रेडियस क्या होगा आर, तो जीरो से लेकर कैपिटल आर। बात चमक रही है बच्चा? yes, sir. Yes, sir. अब जो चीज कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, तो टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, रिंग का मास छोटा आर नहीं, छोटा तो बड़ा वेरिएबल है, बड़े वाला आर कांस्टेंट है। देखो भाई रिंग पहले छोटी थी मेरे पास, फिर बड़ी रिंग लूंगा तो आर तो बढ़ेगा ना, छोटा वाला आर तो बढ़ेगा, लेकिन कैपिटल आर तो फिक्स्ड है, वो तो डिस्क का रेडियस है। क्या डिस्क फैल रही है? नहीं फैल रही डिस्क, तो फिर तो बच्चा क्या आएगा मेरे पास, आर क्यूब इंटू डी आर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये आर, मानते हो? यस सर। ठीक है जी, अब क्या बन जाएगा मेरे पास जीरो से लेके आर, तो 2m बाय आर तो आर स्क्वायर तो है ही, ये आ जाएगा क्या आर की पावर 4 बाय 4 जीरो से लेके आर, 2m बाय आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अब क्या बनेगा, ये आर की पावर 4 ही बन जाएगा बस, सॉरी आर की पावर 4 बाय 4 माइनस जीरो की पावर 4, तो बच्चा ये बन जाएगा हाँ एम आर स्क्वायर बाय 4 2 हाँ सॉरी एम आर स्क्वायर बाय 2। बात चमक रही है? यस सर। यस ये किसका है बच्चा, डिस्क का। क्या डिस्क सबको समझ में आ गई बच्चा? यस यस। तो डिस्क का डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है जी, एक रिंग का तो पूछने का मतलब ही नहीं है, रॉड का पूछ लेंगे, डिस्क का पूछ लेंगे, ये दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है जी, कर लोगे? यस सर। अब मैं आपको दे रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर, क्या दे रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर, उसका आपको निकालना है। सॉलिड सिलेंडर बना दूं, मतलब अंदर से वो उसमें मास है, ठीक है, एक्सिस बच्चा ये मान लो, ये सिलेंडर मान लो, इसका मास एम रेडियस आर, ये एक्सिस और रोटेशन है, बिना सॉल्व किए बता दो क्या आएगा इसका आंसर? एम आर स्क्वायर बाय 2। हां अब मैं चमक गया ना? यस सर। यस सर। बेसिकली क्या है, सिलेंडर को पिचका दोगे, दबा दोगे इसको, तो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, डिस्क बन गई तो बस फिर डिस्क का ही बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर दें, कंप्रेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा, डिस्क बन गया तो एम आर स्क्वायर बाय 2।
क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको? यस सर। चलो तो बच्चा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया, अभी दो तीन चीजें बाकी हैं इसमें। एक तो बचा है रेक्टेंगुलर प्लेट बचा हुआ है, ठीक है जी, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, एक सॉलिड स्फीयर, एक होलो स्फीयर, ठीक है जी। सॉलिड स्फीयर कौन है? दिमाग देखा आप लोगों ने सबका, दिमाग कैसा होता है? स्फेरिकल होता है क्या होता है? नहीं, स्फीयर तो नहीं होता ना। चलो कोई बात नहीं, यहां तक कहानी समझ में आई बच्चा आप लोगों को? यस सर। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्या करना है आपको, रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना है आपको। सर आपने कल भी एक क्वेश्चन दिया था ना? हाँ वो दिया था, वो सर उसका आंसर 2π बाय रूट अंडर रूट r बाय g आएगा क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। एक मिनट बच्चा मैं देख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं क्या था। पहले ये सवाल दे दूं, पर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है और मान लो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बच्चा मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और मास इसका एम है, ये लेंथ ए और ये लेंथ बी। ये होमवर्क है, ट्राई करना, रॉड से काम बनेगा, ध्यान रखना रॉड को यूज करना पड़ेगा। कर लोगे बच्चा ये? यस सर। एक एक्सिस ये ले लो, एक एक्सिस ये लेना, दो एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है जी। बात चमक गई? यस। ये कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है सर? टाइमिंग उसका आंसर बता दो एक बार। कि इसका आंसर? नहीं सर, उसका उसका आंसर बच्चा शाम को आइयो मेरे पास, मैं तो मैसेज करता हूँ, चलो व्हाट्सएप पे करता हूँ, ठीक है? हाँ जी बच्चा बोलो। सर टाइमिंग चेंज कर दो। टाइमिंग बच्चा कैसे चेंज कर दो बताओ? सर आज तो ट्यूशन की जैसे छुट्टी थी तभी मैंने लगाई है। तो 2 बजे होता है ना केमिस्ट्री का, तो तुमने टाइम चेंज करा था, मैंने 2 बजे कह रहा पहले, तुमने कहा था 2 बजे नहीं होता, मैंने चेंज कर दिया फिर। नहीं सर वो तो होता है, बायो की भी होती है यार, बायो वालों का मैं नहीं करता, कभी से नहीं कर सकता। चलो मैं ट्राई करता हूँ, बच्चों से बात करके देख लूंगा, अगर कुछ सेटिंग बैठती है बैठा दूंगा बच्चा, ठीक है? ओके सर, ठीक है।